हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों को मैं फिर से मेरी नई वीडियो में स्वागत करती हूँ। और मेरी वीडियो में जारी रहने के लिए प्लीज मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट भी करिए, बी पॉजिटिव। और मेरी वीडियो आप लोगों के पास में जल्दी से जल्दी और सबसे पहले पहुंचे, इसलिए प्लीज बेल आइकन को भी दबा के दीजिए। माय फ्रेंड्स, बहुत सारा वक्त में, बहुत सारा टाइम हम लोगों का, महिलाएं का, औरतें का, एक सर्टेन एज में हम लोगों का एक प्रॉब्लम होता है। वो है क्या? हम लोगों का जो मंथली होता है पीरियड, वो इरेगुलर होता है, मतलब कि टाइम में नहीं होता है। तो इसका बहुत सारा रीजंस होता है, जैसे कि एक एज में हम लोगों का जो है हार्मोनिकल चेंजेस होता है, बहुत सारा काम का प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, और काफ़ी काम करने की वजह से हम लोगों का जो सोना है वो भी रेगुलर नहीं होता है, टाइम में नहीं होता है। टाइम में हम लोग खाना पीना नहीं खाता है, और फिर हम लोगों का डाइट जो है वो भी प्रॉपर नहीं होता है, और हम लोगों का बहुत सारा जो वेजिटेबल है वो भी ऑर्गेनिक नहीं होता है, बहुत सारा चीज़ें। तो बहुत सारा रीज़न का वजह से हम लोगों का ये चीज़ होता है। बट डोंट वरी, आप लोगों का पास में सिंपल सा ही एक होम रेमेडी है जो कि आप लोगों को वो हेल्प करेंगे। और जैसे कि अगर आपका पीरियड लेट रन होता हो, अगर आप इस रेमेडी को यूज़ करेंगे तो 4 से 5 दिन में आपका पीरियड रेगुलर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं अभी आप लोगों को वो रेमेडी दिखाना चाहती हूँ, तो चलिए देखिए। मेरी घर की आंगना में ही ये रेमेडी है, फ्लावर है ये। अभी मैं इसको तोड़ रही हूँ, ज़्यादा नहीं चाहिए, 1-2 दिन ही काफ़ी है। फ्रेंड्स, इसको जो है ना, ये फ्लावर को हिबिस्कस भी कहते हैं और चाइना रोज भी कहते हैं। और ये पीरियड टाइम में नहीं आने का, पीरियड इरेगुलर का बहुत ही अच्छा रेमेडी है। और इसको किस तरीके से बनाता है ये मैं आप लोगों को बना के भी दिखाऊँगी। ऑलमोस्ट ये होने ही वाला है, पूरा मेस होने का ज़रूरत नहीं है, हल्का सा मेस होने से ही हो जाता है। फिर उसका बाद में इसको एक पानी में, एक कप में मैं ऑलरेडी ले चुका था, उधर में थोड़ा सा पानी में मिक्स कीजिए। फिर थोड़ा सा, अगर वो थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी जेली जेली टाइप अगर हो गया तो उसको आप चकनी की मदद से इसमें ये पानी को निकाल दीजिए। और ये जो पानी है इधर में, उसका जो फूल का जो रस है वो चला ही गया। फिर आराम से आप इसको पीजिए। इसको आप ऐसे ही इवनिंग टाइम ऐसा में पी सकता है, मैं भी ऐसे इवनिंग टाइम ऐसा में पी के दिखाया है, ज़रूर आपका पीरियड रेगुलर होगा। ये था फर्स्ट रेमेडी, और अभी मैं आप लोगों को सेकेंड रेमेडी दिखाने के लिए जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल है ये भी, आप लोग पानी लीजिए। फिर ये है अजवाइन, ऑलरेडी मैं पानी को इधर में हीट कर चुकी थी। फिर पानी में आप थोड़ा सा अजवाइन को डाल दीजिए। इसको आप लोग मसाला का दुकान में अगर अजवाइन बोल के मांगेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। देखो ये थोड़ा सा उबाल आना स्टार्ट हो ही गया है। फिर आप लोग अगर ये अच्छे तरीके से उबाल हो गया हो तो आप लोग इसको बंद कर दीजिए।
और इसको चटनी की मदद से आप लोग कप में डाल दीजिए और आप लोग इसको आराम से पी सकता है। So now here it's ready। आप इसको सुबह में एक बार, फिर उसके बाद में सोने से पहले एक बार गर्म पानी में उबाल के आप इसको पी सकता है। अभी काफी गर्म है, फिर उसको आप थोड़ा सा हल्का सा ठंडा करके भी आप इसको पी सकता है। डेफिनेटली आपका पीरियड जरूर रेगुलर होगा। टेस्ट भी खराब नहीं है, अच्छा ही है। फ्रेंड्स, हमारा जो ये भारत देश है, सदियों काल से ही मेडिसिन में बहुत ही आगे है। और हम लोग पहले जमाने में घर में ही बहुत सारा मेडिसिन हम लोग जानते थे, बट आजकल हम लोग साइंटिफिकली इतना डेवलप हो गया और छोटा छोटा जो रेमिडी होता है वो हम लोग भूल गया है। इसीलिए कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए हम लोग जो होम रेमिडी है उसको भी इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये था मेरी दो रेमिडी जो आप लोग घर में ही ट्राई कर सकता है बहुत ही सिंपल वे में। तो मैं ये आप लोगों को दिखाया, आई होप आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोग ऐसे ही मेरी नई नई वीडियो देखना चाहता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर लविंग मी गाइस। Be positive. Love you, everyone.